गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न जो बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी मेंस के लिए उपयोगी होगा। बिहार से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशंस में बिहार के क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरयू नदी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, घाघरा। सरयू नदी को घाघरा के नाम से बिहार में जाना जाता है। और घाघरा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल नेपाल के नाम्पा श्रेणी में है। यह बिहार के सिवान जिले के पास बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है और पूरे वर्ष इसमें जल रहने के कारण इसे सरयू नदी को सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, बी ऑप्शन है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी गया और पटना जिले में बहते हुए आती है और पटना के निकट फतुहा में यह गंगा में मिल जाती है। सी ऑप्शन है सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल MP के अमरकंटक है। इसकी लंबाई, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? कैमूर के पठार के दक्षिण क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट यानी कि दानापुर में गंगा में यह मिल जाती है। डी ऑप्शन है कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह कोसी नदी नेपाल के सप्तकोशी क्षेत्र से निकलती है और इसके बारे में मुख्य तथ्य है, ये नदी अपनी रास्ता बदलने के लिए विख्यात है जिसके कारण से उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और कोसी नदी खगड़िया के पास आकर गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह गंगा में मिलने से पहले स्वयं अपना डेल्टा बनाती है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये चारों नदियों के बारे में इतना तथ्य याद रखना जरूरी है। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, वैशाली जिला का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ है? तो वैशाली जिला का मुख्यालय है हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखेंगे थर्ड नंबर, कावड़ झील। कावड़ झील बिहार के किस जिले में है? तो यह कावड़ झील है बेगूसराय में। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर, समस्तीपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है। और बूढ़ी गंडक के बारे में बात करें तो यह सोमेश्वर श्रेणी जो कि पश्चिम चंपारण में है, तो यह सोमेश्वर पहाड़ श्रेणी से निकलकर पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है और मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए मुंगेर के पास यह गंगा में मिल जाती है। और ये सभी नदियां बूढ़ी गंडक, कमला, कोसी, बागमती ये सब उत्तरी बिहार की नदियां हैं। आगे देखेंगे फाइव नंबर, कोबाडोल पर्वत बिहार के किस जिला में है? तो यह पर्वत बहुत फेमस है, नवादा में यह है, नवादा के बहुत फेमस पर्वत है कोबाडोल पर्वत। आगे देखेंगे सिक्स नंबर, बिहार में फल शोध संस्थान किस जिला में है? तो फल शोध संस्थान है भागलपुर में स्थित। सेवन नंबर, बिहार में कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? तो कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। एट नंबर, जूट उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जूट उद्योग के लिए पूर्णिया जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नाइन नंबर, मीरकासिम का किला बिहार के किस जिला में है? तो मीरकासिम का किला बिहार के मुंगेर जिला में है। यह मुंगेर जिला में गंगा नदी के तट पर मीरकासिम द्वारा निर्माण किया गया किला था जो मुंगेर में स्थित है और मीरकासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था एवं गंगा नदी के किनारे अपना किला का निर्माण किया था। आगे देखेंगे टेन नंबर, पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है?
पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय मोतिहारी में स्थित है। 11 नंबर, अबरख बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो अबरख बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। इनमें से जो ऑप्शन है इसमें से मुंगेर होगा। 12 नंबर, खगड़िया बिहार के किस प्रखंड में है? तो खगड़िया बिहार के मुंगेर प्रखंड में है, डी ऑप्शन, मुंगेर प्रखंड। और मुंगेर प्रखंड में देखेंगे कौन कौन से जिला है, तो मुंगेर प्रखंड में मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय, ये सारे जिले मुंगेर प्रखंड में आते हैं। 13 नंबर, सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? सारण जिला का मुख्यालय छपरा में है। 14 नंबर, प्रसिद्ध हरिहर नाथ का मंदिर किस प्रखंड में स्थित है? हरिहर नाथ का मंदिर किस प्रखंड में है? सारण प्रखंड में यह स्थित है। आगे देखेंगे 15 नंबर, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो बिहार के भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला है। भागलपुर प्रमंडल में मात्र भागलपुर और बांका है। आगे देखेंगे 16 नंबर, किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? तो यह किस में है? भागलपुर प्रमंडल में और कोसी प्रमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, गंगा नदी गंगा सागर में कहाँ विलीन होती है? तो यह गंगा सागर में सुंदरबन डेल्टा के निकट, सुंदरबन के निकट विलीन होती है, और यह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? तो इनमें से सही आंसर होगा दरभंगा, बाढ़, बेगूसराय, भागलपुर, ये तीनों शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, और दरभंगा उत्तरी बिहार में है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंडक नदी की कुल लंबाई है 510 किलोमीटर, और यह पटना में आकर गंगा में मिल जाती है। 20 नंबर, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी कौन है? तो अभी हमने देखा सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है जो कि पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलने के बाद। आगे देखेंगे 21 नंबर, कमला नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कमला नदी की उत्पत्ति हुई है हिमालय की महाभारत श्रेणी। कमला नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और जयनगर सीमा से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। यह दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होती है और कोसी में मिल जाती है। कमला नदी कहाँ से बहती है? तो यह दरभंगा प्रमंडल से होती हुई कोसी में मिल जाती है। आगे देखेंगे 22 नंबर, मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलने वाली बिहार की नदी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सी ऑप्शन है महानंदा नदी। तो यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। महानंदा नदी उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यह पूर्णिया एवं कटिहार से होते हुए कटिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी और कोसी नदी को ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर रखा है। आगे देखेंगे 23 नंबर, छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी निम्नलिखित में, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी है फल्गु नदी। फल्गु नदी जो कि गया के किनारे स्थित है और फल्गु नदी में ही पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ पिंडदान पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए इस नदी पर ही पिंडदान किया जाता है, और यह गया शहर के किनारे स्थित है, मीन्स फल्गु नदी के किनारे गया शहर स्थित है। आगे देखेंगे 24 नंबर, घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। आगे देखेंगे 25 नंबर, हिंदू धर्मावलंबी लंबी किस नदी में पिंडदान करते हैं? तो पिंडदान के लिए
प्रसिद्ध है फल्गु नदी। आगे देखेंगे 26 नंबर, प्रसिद्ध विष्णुपद नदी किस, विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे गया में स्थित है। 27 नंबर, देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो देव का सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है। जूट कारखाना निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो जूट कारखाना है बिहार के कटिहार में स्थित। मोतीलाल जूट मिल्स बिहार में कहाँ केंद्रित है? तो यह बिहार में दरभंगा में, मोतीलाल जूट मिल्स बिहार के दरभंगा में केंद्रित है। 30 नंबर देखेंगे, अशोक पेपर मिल बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के दरभंगा में स्थित है अशोक पेपर मिल। 31 नंबर, विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो पटना के गांधी मैदान में स्थापित हुई है की ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई 24 फीट है, जो कि पटना के गांधी मैदान में स्थित है, स्थापित है। आगे देखेंगे 32 नंबर, बिहार में सिल्क कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिल्क कारखाना बिहार के भागलपुर में स्थित है। बिहार में सबसे अधिक आटा चक्की किस जिला में है? तो सबसे अधिक आटा चक्की है पटना में, ऑप्शन नंबर ए पटना में। 34 नंबर, रेशम के कीटे का पालन निम्न में से किस वृक्ष पर नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा पलाश, पलाश के बीच वृक्ष पे नहीं होता है, बाकी के तीन ऑप्शन सही हैं। बिहार में ठाकुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ठाकुर पेपर मिल बिहार के समस्तीपुर, समस्तीपुर जिला में स्थित है। 36 नंबर, सुल्तानगंज में स्थित शिव का मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो यह अजैविक नाथ का मंदिर, शिव का मंदिर अजैविक नाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, महान श्रृंगारिक कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिस्फी, बिस्फी नामक गांव में, जो कि मधुबनी जिला में है। कहाँ है? मधुबनी जिला में बिस्फी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका अन्य नाम क्या है? तो महाकवि कोकिल, विद्यापति का अन्य नाम है महाकवि कोकिल। आगे देखेंगे 38 नंबर, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, मायोर, मायोर जो कि बिहार के शेखपुरा जिला में है। मायोर कहाँ है? शेखपुरा जिला में, यही इनका पैतृक गांव है मायोर। इनका जन्म हुआ था 1887 में एवं इनकी मृत्यु हुई थी 1961 में, और इन्हें बिहार केसरी एवं श्री बाबू, बिहार केसरी एवं श्री बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके गांव में मायोर, जो कि इनका गांव है, यहां पास इनकी याद में एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। आगे देखेंगे 39 नंबर, जॉन गांस्टी ने किस प्रसिद्ध धरोहर का निर्माण कराया? तो यह पटना का गोलघर का निर्माण करवाए थे जॉन गांस्टीन। आगे देखेंगे 40 नंबर, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस गांव से प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मिथारवा, जो कि पश्चिम चंपारण का गांव है, यहां से इन्होंने शुरू किया था। आगे देखेंगे 41 नंबर, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक साक्षर महिलाएं निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, रोहतास, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षर महिलाएं हैं और इनकी परसेंटेज है 62.97 महिलाएं यहाँ की साक्षर है। अगर सबसे कम साक्षर वाली महिलाएं का जिला पूछे तो वो होगा सहरसा, जहाँ की 41.68% ही महिलाएं साक्षर है। और अगर सर्वाधिक साक्षर जिला मीन्स बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला
पूछें जो स्त्री पुरुष दोनों को मिलाकर होगा, तो वो भी होगा रोहतास। यहाँ है 73.37% बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला, और सबसे कम है पूर्णिया जो कि है 51.08%। आगे देखेंगे 42 नंबर, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम व्यक्ति निवास करते हैं, तो ये जिला होगा कैमूर। कैमूर में मात्र 488 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं जो कि सबसे कम है, और सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक होगा पटना जो कि 1823 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं। अब पूरा इंडिया में जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। आगे देखेंगे 43 नंबर, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य भी था, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मुल्ला बहबहानी। 44, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से बी नंबर, शेखपुरा, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा, और सबसे बड़ा जिला पटना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो सबसे छोटा जिला शिवहर और सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला अभी बताएं शिवहर। आगे देखेंगे 46 नंबर, बिहार में बटन निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो बटन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है डी नंबर, महीसी दल सिंह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, बिहार में लोक गायन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, लोक गायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है भिखारी ठाकुर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे 48 नंबर, बिहार में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। आगे देखेंगे 49 नंबर, बिहार में शिल्प कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो शिल्प कला के क्षेत्र में दिया जाता है उपेंद्र महारथी पुरस्कार। आगे देखेंगे 50 नंबर, बिहार में मक्का विकास शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है मक्का विकास शोध संस्थान का मुख्यालय बेगूसराय। 51 नंबर, बिहार में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है, तो यह स्थित है दरभंगा में। 52 नंबर, बिहार का पहला चीनी मिल निम्न में से कौन सा है, तो बिहार का पहला चीनी मिल है मरहौरा चीनी मिल, इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी। मरहौरा चीनी मिल इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी और यह सारण जिला में स्थित है। अगर भारत में प्रथम चीनी मिल पूछे तो भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना उड़ीसा के अस्का में हुई थी, और यह कब हुई थी 1824 ईस्वी में उड़ीसा के अस्का में, और बिहार में मरहौरा चीनी मिल जो कि सारण में 1904 ईस्वी में हुई थी। आगे देखेंगे 53 नंबर, बिहार में आर्कोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है गया में। आगे देखेंगे 54 नंबर, बिहार में विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो विष्णुपद मंदिर भी गया में स्थित है। 55 नंबर देखेंगे, गज और ग्राह की लड़ाई के लिए बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है हरिहर क्षेत्र जो कि सोनपुर में है, सोनपुर का मेला लगता है हरिहर क्षेत्र। आगे देखेंगे 56 नंबर, प्राचीन बिहार में अंग राज की राजधानी कहाँ थी, तो अंग राज की राजधानी थी चंपा।
यह अंग राज्य भागलपुर बिहार के भागलपुर का क्षेत्र में आता है। आगे देखेंगे 57 नंबर, बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल किस दो जिला को जोड़ता है? तो राजेंद्र पुल बेगूसराय और पटना को जोड़ता है। 58 नंबर, वर्धमान महावीर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था बिहार के वैशाली जिला में। और वैशाली की बात करें तो बज्जी गणराज्य थी, बज्जी की राजधानी वैशाली थी और बज्जी संघ आज 8 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। महावीर की माता त्रिशला, महावीर का माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। आगे देखेंगे 59 नंबर, मलमास मेला कहाँ, मेला का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाता है? तो मलमास मेला बिहार में राजगीर में लगता है, मलमास मेला का आयोजन किया जाता है राजगीर में। सूर्य मंदिर के लिए बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 61 नंबर, बिहार में जड़ा संघ का अखाड़ा कहाँ स्थित है? तो जड़ा संघ का अखाड़ा स्थित है राजगीर में। आगे देखेंगे 62 नंबर, विश्वामित्र मुनि का आश्रम किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बक्सर। 63 नंबर, वाल्मीकि का जन्म स्थल बिहार में कहाँ माना जाता है? तो वाल्मीकि का जन्म स्थल है बिहार के भैंसालौटन। 64 नंबर, सीताकुंड बिहार के किस जिला में स्थित है? तो सीताकुंड बिहार के मुंगेर जिले में है। यह गर्म जल का कुंड है। और देखेंगे मुंगेर में कौन कौन से कुंड है, तो यहाँ है सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मेश्वर कुंड, ये सब सारे गर्म जल के कुंड है और सारे स्थित है मुंगेर में। और बिहार में राजगीर में भी जल कुंड है गर्म पानी के, जैसे कि इसका नाम है सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सब राजगीर में स्थित है। आगे देखेंगे 64 नंबर, बिहार में गुलाब बाग का मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में गुलाब बाग का मेला लगाया जाता है पूर्णिया में। बिहार किस प्राचीन गौरवमय साम्राज्य का स्थल रहा है? तो यह होगा मगध, जो कि बहुत ही बड़ी साम्राज्य थी प्राचीन काल में। तो इसका सही आंसर होगा मगध, इसकी राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रज। 67 नंबर, बिहार के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो शिशुनाग, हर्यक, मौर्य वंश, ये सारे बिहार के राजवंश हैं। कलिंग वंश, ये बिहार के राजवंश, बिहार के वंश नहीं है, यह उड़ीसा के है। 68 नंबर, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार के प्रख्यात राजवंश व उनसे संबंधित राजाओं के नाम प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। तो ये होगा हर्यक वंश, बिंबिसार बिल्कुल सही है, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन शिशुनाग वंश, पर ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे 70 नंबर, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो अशोक का संबंध है मौर्य वंश से। 71 नंबर, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? तो सबसे लोकप्रिय सुल्तान था शेर शाह सूरी, इनका समय काल है 1540 से 45 और यह हुमायूं के समकालीन थे। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है और यह बिहार के सासाराम में झील के बीचों बीच शेर शाह सूरी का मकबरा बनाया हुआ है। आगे देखेंगे 72 नंबर,
बिहार राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। 73 नंबर, सन 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व करने वाले किस महायोद्धा को सदैव याद किया जाता रहेगा? तो यह महान योद्धा थे वीर कुंवर सिंह, ए नंबर ऑप्शन, जो कि बिहार के आरा जिला से थे। आगे देखेंगे 24 नंबर, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्मस्थली नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, पटना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, पटना सिटी में। महावीर स्वामी, वैशाली, विद्यापति जो कि मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिला में है। गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में नहीं हुआ था, यह नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था, बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे 25 नंबर, बिहार को पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी नंबर। आगे देखेंगे 26 नंबर, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो स्थापना की घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। आगे देखेंगे 27 नंबर, बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो विधिवत उद्घाटन हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, और घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। आगे देखेंगे 28 नंबर, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी, उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में शामिल था, तो उसमें शामिल था बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा उस टाइम साथ था। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, इसलिए सही आंसर होगा सी नंबर, उड़ीसा। आगे देखेंगे 29 नंबर, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी 4 मार्च 1928 ईस्वी को। आगे देखेंगे 80 नंबर, बिहार रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया में कब हुआ था? तय हुआ था 16 जनवरी 1945 ईस्वी को। आगे है 81 नंबर, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है बिहार में टोटल 8। 82 नंबर, बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र से किस भाषा में प्रसारण होता है? तो किस भाषा में होता है, यह होता है मैथिली में। 83 नंबर, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नेपाल जाने के लिए रक्सौल हवाई अड्डे का उपयोग किया जाता है। 84 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो ग्लाइडिंग क्लब बिहार के पटना में है। लास्ट क्वेश्चन आज का, बिहार में स्टीमर के द्वारा जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है, प्रमुख में से प्रमुख नियमित मार्गों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है पटना से महेंद्रू, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।